इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पहलवानी का चड्डी कैसे बनता है। पहलवान जैसे पहनते हैं ना, पहलवान वो वाला चड्डी आप किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए आपको कपड़ा लेना पड़ेगा चौकोर, रुमाल के जैसे कपड़ा होना चाहिए चौकोर। उसके बाद में उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, ये बराबर फोल्ड कर लीजिए इस टाइप से। ये फोल्ड हो गया, उसके बाद में इसको एक बार और फोल्ड कर लीजिए इस टाइप से। कमर जितना भी है, इस बंदे का कमर है 35 इंची, 35 इंची पे मरका मार लिए यहाँ पे, ठीक है। आधा हो गया 17.5, 17.5 पे आप इस टाइप से हल्का सा छोड़ करके इस टाइप से मरका मार लीजिए सीधा, ठीक है। अब इस कपड़े को आप कटिंग कर लीजिए सीधा, कटिंग हो गया। उसके बाद में इस टाइप से इसको भी सीधा कर लीजिएगा, कोई कपड़ा अप डाउन होगा इसको आप सीधा कर लीजिएगा, ये हो गया। अब इसको इस टाइप से आप थोड़ा सा मार्क उठा लीजिए। उसके बाद में आप इसके मार्क उठा लिए, अब इसको सीधा कर लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा मार्क मार लीजिए, ठीक है। अब इसको इस टाइप से रख लीजिए, इस मरका है ना, मरका के पास में, तो ये भी मरका के ऊपर में चढ़ा लीजिए, ठीक है। इस टाइप से चढ़ गया, अब इसको इस टाइप से मिला लीजिए, ये देखिए ये मिल गया है। अब आप क्या कीजिए, इसको यहां से बीच से मोड़ लीजिए, ठीक है। इस टाइप से बिल्कुल बराबर मुड़ना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एक कर दीजिएगा। इस टाइप से फोल्ड हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ पे आप 1.5 इंची ये 1.25 इंची पे मार्क मार लीजिए एक, ठीक है। और जांघ जितना भी रहेगा उसका, मान लीजिए 20 इंची जांघ है तो इस टाइप से गोलाई करके देख लीजिएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तब इसको आप मार्कर को इस टाइप से मार लीजिए, देख लीजिए ये मार्कर लग गया। अब यही कटिंग कर दिया जाएगा, यहाँ कटिंग कर लीजिए, ये हो गया कटिंग, ठीक है। अब आप इसको खोल लीजिए, ये हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कटिंग कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। ये आपका हो गया, ये हो गया। अब आप इसको कटिंग कीजिएगा इस टाइप से, सामने साइड का इस टाइप से कटिंग कर लीजिए। इसको इस टाइप से कटिंग कर लीजिए,
अब इसको सिलाई करके आपको बताते हैं। ये तो कटिंग हमने कर लिया, इसको जांग में भी हाफ इंची हमने निकाल दिया है इसमें से सामने साइड से। उसके बाद में इसको जोड़ेंगे कैसे ये बताते हैं आपको। ये दो पीस है, एक पीस को तो निकाल लेंगे इस टाइप से, ठीक है। एक पीस को हटा लिए, अब दूसरा एक पीस रख लिए, ये है और ये है, ठीक है। तो इस वाले पल्ला को, ठीक है, ये वाला को जोड़ लेते हैं आपस में इस टाइप से, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से हम जोड़ लेते हैं इसको। ये देख लीजिए इस टाइप से इसको सिलाई कर ले रहे हैं। ये सिलाई हो गया एक साइड का, अब इसके ऊपर एक सिलाई मार लेंगे, ठीक है, पतला लव सिलाई। ये लव सिलाई हो गया, ये जुड़ गया, ठीक है। अब इसको इस टाइप से रख करके इसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको आपको जोड़ के दिखाते हैं। ये भी जुड़ गया, ठीक है। अब इस पे भी एक लव सिलाई मार लेते हैं, ठीक है। अब इस पे भी लव सिलाई एक मार लेते हैं। ये हो गया। अब इसी हिसाब से दूसरे साइड का भी सील लेते हैं। अब इसको भी इसी हिसाब से हम सील लेंगे। देख लीजिए किस हिसाब से सिलेंगे, इसको सिलाई कर लेंगे, इसको सिलाई कर लेंगे। एक तो हो गया सीधा साइड में और एक को उल्टा कर लिए, ठीक है। अब ये इसके अंदर घुसा लेंगे, ये घुसा लिए, इसके अंदर डाल लेते हैं दोनों को। ये देखिए ये दोनों जोड़ है, ये जो जोड़ आया है ये दोनों जोड़ को बराबर में मिला लेंगे और एक साइड का जांग को सिलाई करेंगे इस टाइप से। एक साइड का जांग को सिलाई करेंगे बराबर से रख करके। ये एक साइड का सिल गया। अब ये गलती मत कर दीजिएगा कि दोनों साइड का सिल लीजिएगा, एक ही साइड का सिलाई होगा, ठीक है। अब इसको पलटी करेंगे। ये देख लीजिए एक साइड का सिल लिए हैं, अब एक साइड का पलटी कर लिए, एक साइड का सिलाई कर लिए। अब हम एक साइड में इसमें सिलाई मारते हैं एक चाप पे, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया। अब दूसरे साइड का सिलाई करके आपको दिखाते हैं। ये अब ये दूसरे साइड का जांग इस टाइप से सिलाएंगे। ये जोड़ को देख लीजिए, ये है। अब ये दोनों जोड़ इसका और इसका, ये दोनों जोड़ मैच करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जोड़ इस टाइप से पकड़ लीजिए, इधर से हाथ घुसाइए और इस टाइप से पकड़ लीजिए, इधर से आप पकड़ लीजिए, ठीक है।
अब इधर से जोड़ के पास से आप सिलाई करना शुरू कीजिए जांग को। ये जांग है, ये दूसरे साइड का जांग सिलाई कर रहे हैं। घुमा लिया हमने सिलाई जांग के जांग में, ठीक है। अब इसको हम पलटी कर लेते हैं, ये पलटी हो गया। अब इसको भी उसी हिसाब से चाप सिलाई चला लेंगे जांग पे। जांग पे सिलाई चल गया, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका चड्डी। अब यहाँ पे आप हाई अगर बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, हाई को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे कपड़ा जोड़ करके लास्टिक लगा लीजिए या नाड़ा लगा लीजिए, ठीक है। आपको हम इसमें लास्टिक लगा के दिखाएंगे। इस टाइप से हम ऊपर में जोड़ लगा रहे हैं, ठीक है, लास्टिक लगाने के लिए। आपको जितना हाई बनाना है, हाई अगर ज़्यादा करना है तो आप बढ़ा सकते हैं इसी टाइप से, ठीक है। इस टाइप से हम जोड़ लगा के बना ले रहे हैं। इसमें नाड़ा लगाना हो तो नाड़ा लगा लीजिएगा, हम लास्टिक लगा रहे हैं इसके अंदर। ये देख लीजिए, ये ज्वाइंट कर लिया हमने कपड़ा, और लास्टिक को इस टाइप से हम खींच के देख ले रहे हैं कितना लगेगा लास्टिक। इतना ही लगेगा इसमें लास्टिक। इस टाइप से अब लास्टिक को ज्वाइंट करेंगे आपस में। ये ज्वाइंट हो गया, अब इसको इसी के अंदर इस टाइप से रख के सिलाई करेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देख लीजिए, लास्टिक लगा दिया, हम एक ऊपर में और सिलाई मार ले रहे हैं।